आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं खोए मलाई वाली कुल्फी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी, इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। हम इसको पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। मैंने 5 चम्मच भर के चीनी ली है। इसको करमलाइज बनाएंगे, सादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छा सा पकने देंगे। ये देखिए जबरदस्ती हमारी करमलाइज रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में। अब इसको हम दूध के अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। खुशबू के लिए इलायची का पाउडर भी इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी। बारीक पीस लिया था मैंने इसको। इन सब चीज़ों को ठंडे दूध के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हम दूध के अंदर ऐड करेंगे। दूध को हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा पका लिया। देखिए कितना कम भी हो चुका है। इसी के अंदर जो हमने मिक्स किया था मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर, हम चलाते हुए इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून बादाम मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा सा मैंने इसको पका लिया। इसी के अंदर 100 ग्राम हम खोया ऐड कर देंगे। घर का बना हुआ खोया है, बहुत ईजी आसान तरीके से ये बन जाता है। अच्छा सा मैंने खोया इसके अंदर मिक्स कर लिया। इसको हल्की आंच पे ऐसे पकाएंगे, चमचा साथ-साथ हिलाते रहेंगे। इसको दूसरी साइड पे करते हैं। थोड़ी सी हम चीनी पकाएंगे, करमलाइज बनाएंगे चीनी को। चाहे तो सादा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीनी। इस दूध के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम अच्छा सा और पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा मैंने इसको पका लिया। ये देखिए थिक भी हो चुका है। मैं आपको जो देख से दिखाती हूँ। दूध ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसको बॉल किसी बॉल में निकाल लेते हैं। इसको बॉल के अंदर इसको निकाल लेंगे। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए खोए मलाई वाली रबड़ी हमारी हो चुकी है ठंडी। थिक भी हो चुकी है इतनी ज़्यादा। ये मेरे पास प्लास्टिक के कुल्फी के जार हैं। अब इसको हम भर लेंगे। दूध मैंने सारा डाल दिया। तकरीबन हमारी 6 कुल्फी रेडी हुई है। कप के अंदर मैंने 1/2 भर दिया। सब के अंदर मैंने होल करके कुल्फी के मैंने स्टिक लगा दी। 8 घंटे के लिए हम कुल्फी को फ्रीज़र में रखेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी खोए मलाई वाली कुल्फी रेडी हो चुकी है। ये देखें सब ये हटा देते हैं कवर ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट ये रेडी हो चुकी है ऐसे। ये देखें थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाएंगे ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट ये जम चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को रोज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ईजी आसान रेसिपी थी, जरूर ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ज़्यादा चाहते हो अल्लाह हाफिज़।